जैदपाबाद में जिला इंतजामिया और फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मुजर सहद और केमिकल मिलावट दूध फरोख करने वालों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद अहमद और फूड कंट्रोल इंस्पेक्टर नसरुल्ला ने अचानक मुजर सहद और केमिकल मिलावट दूध फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। असिस्टेंट कमिश्नर और फूड कंट्रोल टीम ने स्टेशन रोड, आदम खान पवर रोड, कायदे आजम रोड, टावर रोड समेत शाही बाजार में मुजर सहद केमिकल मिलावट दूध से चाय बनाने वाले मुतादिद होटल मालिकान और दूध फरोश दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए। स्टेशन रोड पर एक होटल पर दुकान में ज्यादा पानी होने की वजह से दूध जाया करवाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि मुजर सहद दूध और दूध में इस्तेमाल होने वाले केमिकल मासूम बच्चों समेत इंसानी जानों के लिए खतरा है। शहर के मुतादिद होटल मालिकान केमिकल मिलावट दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ और जुर्माने आयद किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि केमिकल फरोख्त करने वाले और दूध फरोशन की दुकान से दूध के सैंपल लेकर लेबॉरेटरी भेजे जाएंगे। मिलावट साबित होने पर दूध फरोश और होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंतजामिया के इस अमल पर शहरियों ने बहुत सराहा। कैमरा टीम के साथ सदाम हुसैन चांडियो, HNA न्यूज, जैकबाबाद। जैकबाबाद में एंटी करप्शन पुलिस ने बाबू घोसो में कार्रवाई करते हुए 3 अताई अब्दुल शकूर, अली हसन जाफरी और याकूब नारी को गिरफ्तार कर लिया और अताइयों की क्लिनिक सील कर दी। इस सिलसिले में रबते पर एंटी करप्शन पुलिस के अनायत अली ने बताया कि जैकबाबाद जिले के 257 अताइयों के खिलाफ एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से केस दाखिल किया गया, जिनमें से 70 के करीब जमानत पर हैं और दीगर मफरूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू किया गया है। इसी केस में आज 3 अताइयों को गिरफ्तार किया है, जिनको मंगल 27 जुलाई को एंटी करप्शन कोर्ट लाड़काना में पेश किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ सदाम हुसैन चांडियो, HNA न्यूज, जैकबाबाद। बीवी की जुदाई ने शोहर की जान ले ली। नुशहरो फिरोज खानजादा मोहल्ले में नौजवान ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक बीवी की जानिब से तलाक लेने के बाद नौजवान परेशान रहता था। जरूरी कार्रवाई के लिए लाश सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। कैमरा टीम के साथ फकीर मेयर अली बेन, HNA न्यूज, नुशहरो फिरोज। सिंध हुकूमत के अहकाम के तहत SSP टंडो अलियार रुखसार अहमद खावर के हुक्म पर जिला टंडो अलियार में शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर सिंध हुकूमत ने तमाम कारोबारी मराकज, छोटी बड़ी मार्केटों, दुकानों के लिए नए अहकाम जारी किए हैं, जिनमें व्यापार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक रखे गए, जिन पर अमल दरामद करवाने के लिए आज दूसरे रोज भी जिला पुलिस इंतहाई मुतहरक नजर आई। SSP के हुक्म पर DSP हेडक्वार्टर अकबर समूह, स्टाफ के हमरा, सिंध रेंजर और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर लॉकडाउन का निफाज करवाया और अमामुन्नास से तामुन की अपील की। कैमरा टीम के साथ तारिक हमीद अबासी, HNA न्यूज, टंडो अलियार।